Welcome to Prakshi Classes. Myself Sakshi Verma, and today we are going to discuss the business mathematics most important topic, that is differentiation. इस डिफरेंशिएशन का जो चैप्टर है इसमें हमारा ये लेसन नंबर 13 होगा एंड दिस लेसन नंबर 13 डील्स विद द बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ द लॉगरिथम फंक्शंस एंड द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अभी तक मैं आपको डिफरेंशिएशन में ये सिखा चुकी हूँ, बेसिक्स क्लियर कर चुकी हूँ कि क्या फॉर्मूलेज हैं, उन फॉर्मूलेज को हमने कैसे अप्लाई किया, चेन रूल भी सिखाया मैंने आपको। अब जो हम सीखने जा रहे हैं वो लॉगरिथम फंक्शंस है, लॉग का डेरिवेटिव कैसे निकलता है, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकलता है, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकलता है। इन्हीं टॉपिक को यूज करके मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन सिखाए हैं इस वीडियो में, प्लस इन वीडियोस में जो टॉपिक्स मैंने क्लियर कराए हैं, जो क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कराए हैं, वो चेन रूल को भी यूज करते हुए ही समझाए हैं, क्योंकि बिना चेन रूल को यूज करे आप नहीं समझ पाओगे इस टॉपिक को। सो प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियोज एंड क्लियर योर ऑल कंसेप्ट, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो समझ आएगा। लेसन नंबर 13 में चेन रूल को यूज किया गया है, तो लेसन नंबर 12 में और लेसन नंबर 11 में मैंने आपको चेन रूल कराया है। सो प्लीज पहले वो वीडियोज अच्छे से देखें। वैसे तो जितनी भी वीडियोस मैंने डिफरेंशिएशन की अभी तक बनाई हैं वो आपको सारी देखनी है, क्योंकि लेसन नंबर 13 में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे अगर बढ़ रहे हैं तो हम उनका बेसिक ही यूज़ कर रहे हैं आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो प्लीज़ अपने बेसिक्स रेडी रखें डिफरेंशिएशन के। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, आई विल सॉल्व फॉर यू एनी क्वेश्चन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल आई यूज टू से दैट प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल प्राक्षी क्लासेस, सो दैट आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर सकें। हर वीडियो एक एक्सटेंशन वर्जन है ऑफ द प्रीवियस वीडियो को, तो पिछली वीडियोस तो जरूर देख कर आएं, तभी आप आगे वाली वीडियो को समझ पाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डू दैट राइट नाउ, सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस ऑन कर दीजिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो के साथ। So today we are going to start with the next topic of differentiation of logarithm functions and exponential functions. ठीक है, अभी तक जितना मैंने कराया है वो basics था, अब जो हम आगे करने जा रहे हैं वो उसी का use करके logarithm and exponential functions में हमें help करेगा। ठीक है, so आपके पास अगर question में आता है log x, तो log x का derivative क्या होता है, d by dx of log x क्या होता है बेटा, 1 by x, ये याद रखना है। लोगारिथम फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 by x। फिर आपको याद रखना है e की पावर x, e की पावर व्हाट इज दैट, e स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन में e की पावर x आता है तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x ही होता है। फिर थर्ड आपके पास आता है a की पावर x, व्हाट इज दिस a, दिस इज अ कांस्टेंट नंबर। हो सकता है मेरे पास क्वेश्चन आए 5 की पावर x, तो ये 5 और उसकी पावर x, तो ये फॉर्म क्या है, a की पावर x। अगर a की पावर x का डेरिवेटिव आएगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, a की पावर x वैसे का वैसे ही रहेगा और इनटू log a, और दिस a यहाँ पे a क्या मतलब है, कोई कांस्टेंट नंबर। यहां तक क्लियर हुआ, ये प्लीज नोट डाउन करें, इससे रिलेटेड मैं आपको अब एग्जांपल्स कराऊंगी। log x का डेरिवेटिव 1 by x, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x इनटू log a। क्लियर, अब इसके क्वेश्चंस देखो कैसे क्वेश्चंस आएंगे। देखिए बेटा, आपके पास आ जाए कि आपको y दिया हुआ है, y इज इक्वल टू log ऑफ 2x, अगर आपको ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसे कैसे पढ़ेंगे, log x की तरह। दैट मींस आपको क्या दिया हुआ है, आपको y का डेरिवेटिव निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि y किसका फंक्शन है, x का। इसका मतलब आपको किसका डेरिवेटिव निकालना है, log 2x का। ये जो 2x है इसको आप क्या पढ़ेंगे, थोड़ी देर के लिए x ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने इसको पढ़ा log x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 by x, बट बेटा मेरा x है क्या, मेरा x है 2x, है इनटू, दिस इज अ चेन रूल। आपने इसको थोड़ी देर के लिए x पढ़ा या इसको थोड़ी देर के लिए u पढ़ा, तो log u का डेरिवेटिव 1 by u, u क्या था 2x, इनटू अब u का डेरिवेटिव, u क्या है बेटा 2x, और 2x का डेरिवेटिव क्या सिखाया था, कांस्टेंट नंबर है, मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर 1 है, तो सिर्फ कांस्टेंट नंबर उतरता है, दैट इज 2। इसका मतलब है 2 से ये 2 कटा तो क्या आंसर आया, 1 by x ही आया। तो log 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 by x। क्लियर हुआ पॉइंट, पक्का।
बात समझ आई है। हो सकता है आपके पास ऐसा आए कि आपको बोला है कि आपको डेरिवेटिव निकालना है किसका, लॉग एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अगर आपको ऐसे इस एक्स स्क्वायर को आप थोड़ी देर के लिए क्या पढ़ेंगे, यू पढ़ो या एक्स पढ़ो, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाय एक्स, बट वॉट इज माई एक्स, माई एक्स इज एक्स स्क्वायर इन टू। बेटा आप किसका डेरिवेटिव करना है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, टू एक्स, राइट। एक एक्स ये रहा और दो एक्स ये रहे, तो एक एक्स से घट जाएगा, इसका मतलब टू इंटू वन इज टू और अपॉन में एक एक्स बच रहा है। तो लॉग एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, टू अपॉन एक्स। तो बेसिकली जो भी लॉग के साथ लगा होगा उसको आप थोड़ी देर के लिए क्या पढ़ेंगे, एक्स ही पढ़ेंगे या यू ही पढ़ेंगे। ये बेसिकली चेन रूल का ही कंसेप्ट है कि जो आपके पास इक्वेशन में अंदर थोड़ी देर के लिए जो चीज भी दी हुई है उसको आप यू की तरह पढ़ो। जब आपने उसको यू की तरह पढ़ लिया तो वो लॉग यू बन गया या लॉग एक्स बन गया, फिर आप उसका डेरिवेटिव लो इनटू जो आपने इक्वेशन थोड़ी देर के लिए मानी थी उसका डेरिवेटिव लिखो। ये समझ आया लॉग का कंसेप्ट। अब देखो आपकी बुक में और भी दिए हुए हैं लॉग से रिलेटेड एग्जांपल्स, वो भी मैं आपको कराती हूँ। देखो क्या दिया हुआ है, एग्जांपल से समझाता समझ आता है। आपको दिया हुआ है लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर, आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है बेटा। अगर आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है तो पहले आप क्या लिखेंगे, वाई क्या है हमारे पास, वाई है लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे y का डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। दैट मीन्स मुझे किसका डेरिवेटिव करना है, मुझे डेरिवेटिव करना है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, राइट। अब मैंने आपको क्या बताया था, log के साथ जो भी चीज है उसको आप थोड़ी देर के लिए क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, बट लिखना मत ऐसे जैसे मैंने लिखा है, आप बस अपने मन में मान लेना। अगर log x मान लिया तो बेटा ये log x है, इसको थोड़ी देर के लिए हम कैसे पढ़ेंगे, log x, log x का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, 1 बाय x। आपने x किसको माना था, इसको, तो सीधा प्रॉपरली यही पुट कर देंगे, ठीक है। इनटू इनटू जिसको आपने माना था उसका तो आपने डेरिवेटिव किया ही नहीं, तो आप यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे किसका, वन का। वन का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, टू एक्स, यही होता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। इसका मतलब है जीरो में टू एक्स एड किया जाता है टू एक्स, अपॉन में क्या आ रहा है, वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात क्लियर हुई, समझ आया। ये बेसिकली चेन रूल के ऊपर बेस्ड हैं, तो जिसे चेन रूल में दिक्कत आ रही थी तो यही सारे एग्जांपल्स हैं चेन रूल के। क्लियर, पक्का, ओके। और मैं देखती हूँ कि लॉग से रिलेटेड, हाँ एक और है आपके पास, ये आपके KU 2012 में आया हुआ है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के 2012 में जो पेपर हुआ था उसमें आया हुआ है क्वेश्चन लॉग से रिलेटेड। तो देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि लॉग ब्रैकेट लॉग, ब्रैकेट लॉग एक्स, ब्रैकेट क्लोज एंड होल ब्रैकेट क्लोज। देखो बेटा पहले लॉग है, ये लॉग है, तो अगर ये लॉग है तो हम अंदर के लिए क्या मानेंगे, एक्स। फिर अगर ये लॉग है तो इसका अंदर क्या मानेंगे, एक्स, क्योंकि लॉग जो होता है लॉग के साथ हमेशा कुछ लगा होता है एंड दिस इज ऑलवेज अ एक्स। ये लॉग है तो उसका एक्स क्या है, ये लॉग है तो उसका एक्स क्या है, ये। बात क्लियर हुई, दैट मीन पहले मुझे क्या लिखना है कि y क्या है मेरा, y मेरा है log log ब्रैकेट में log x, राइट। अब देखो हमें y का डेरिवेटिव निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। दैट मीन्स मुझे डेरिवेटिव किसका करना है, पूरे log का, log होल ब्रैकेट में log और उसके अंदर एक log x, ठीक है, समझ आ रहा है, ओके। अब आगे देखो इसका मतलब है अगर ये लॉग है तो उस लॉग के लिए ये क्या हुआ, पूरा एक्स हुआ या यू हुआ, तो लॉग यू का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाय यू या वन बाय एक्स बोलो। दैट मीन्स ये क्या हुआ, वन बाय एक्स, दिस इज माय होल एक्स, तो एक्स को ऐसे का ऐसे ही लिखते, यहां तक क्लियर हुआ। इन टू इस लॉग एक्स का तो डेरिवेटिव हो गया, अब इसको भूल के ये जो आपका x था या u था इसका डेरिवेटिव करेंगे आप। दैट मींस अब मुझे किसका डेरिवेटिव करना है, अब मुझे log log x का डेरिवेटिव करना है। बेटा अगर ये log है तो उसके लिए ये क्या है, उसका x है, दैट इज log x। अब ये log x है तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाय समथिंग x, तो log x, x क्या है, log x है। बात क्लियर हो रही है, इन टू लॉग इसको आपने x माना था अभी थोड़ी देर के लिए, अब इसका भी तो डेरिवेटिव करोगे, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 by x। इसका मतलब है 1 into 1 into 1, 1,
log log x into log x into x. So x log x into log log x. Square मत कर देना क्योंकि ये log का log x है, ये अलग log x है, बात क्लियर है. और x का x square नहीं हो सकता क्योंकि ये x अलग है और log का अलग x होता है. ये क्वेश्चन समझ आया, थोड़ा सा ट्रिकी आई नो, क्योंकि क्या है ये log है और उसका ये x है, तो ये log u पढ़ लो इसे. तो log u का डेरिवेटिव 1 by u, तो u को u ही रहने दो. अब into u का डेरिवेटिव, what is your u? This is your u. तो log log x, तो ये log है तो उसके लिए ये u है. अब तो log u का डेरिवेटिव 1 by u, तो u क्या है, नीचे आ गया 1 by u. into अब ये u है तो log x का डेरिवेटिव 1 by x, बस आगे मल्टीप्लाई कर दिया. बात समझ आई है, कंसेप्ट क्लियर हुआ है पक्का? ओके और देखते हैं अब इसके क्वेश्चंस. ये एक और क्वेश्चन है आपके पास, ये भी थोड़ा लेंथी सा है तो ध्यान से समझिएगा. y इज इक्वल टू log x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आपके पास क्वेश्चन है. ठीक है, तो आप ध्यान से देखना बेटा इसका आंसर. अब ये y है तो y का डेरिवेटिव निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में. जाते मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, मैं इसको क्या मान रही हूँ थोड़ी देर के लिए, u. मैं इसको लिख रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा था इसलिए मैं इसको खुद ही u मान के चल रही हूँ. तो x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं क्या मान रही हूँ, u. इसका मतलब है मुझे किसका डेरिवेटिव करना है, मुझे डेरिवेटिव करना है log log और ये पूरी टर्म को मैंने क्या मान लिया, u. ठीक है, dy by dx is equal to, बेटा log u का डेरिवेटिव करना है, log x बोलो या log u बोलो बात बराबर है. log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 by x, तो log u का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 by u, तो 1 by u, right? Into, अब इस u का भी तो डेरिवेटिव होगा du by dx. u का डेरिवेटिव होगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में. यहां तक क्लियर? ओके, अब आगे देखो बेटा, इसका मतलब है dy by dx क्या निकल के आ रहा है, dy by dx is equal to 1 by u. What is your u? ये u, u की जगह आप क्या लिखेंगे, अपना u का आंसर, राइट? इनटू अब किसका डेरिवेटिव करना है, इसका dy by dx of x plus root x square minus a square का. क्यों? क्योंकि बेटा ये मेरा u है ना, u का डेरिवेटिव करना है, तो what is my u? x plus root x square minus a square, मैंने उसकी जगह ये लिख दिया. यहां तक क्लियर? ओके, अब आगे देखो, dy by dx is equal to 1 by x plus root x square minus a square into, पहले किसका डेरिवेटिव होगा, x का, तो dy dx of x, फिर किसका डेरिवेटिव होगा, root x square minus a square का. यहां तक क्लियर? बात पक्का समझ आई है? ओके, अब आगे देखो, dy by dx is equal to 1 by x plus root x square minus a square bracket. बेटा x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 plus. अब ये root है, मैंने आपको क्या सिखाया था, root को हटाते हैं और क्या लिख देते हैं, power में लिख देते हैं. क्या लिख देते हैं, power 1 by 2, यही लिख देते हैं. बट आपको शॉर्टकट नहीं मारना, मैं शॉर्टकट मार रही हूँ क्योंकि जस्ट टू क्लियर द स्टेप्स, जस्ट टू मेक इट इजी. बट आपको स्टेप वाइज लिखना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप में आपको उसकी पावर 1 बाय 2 लगा के दिखानी पड़ेगी. अब मैंने आपको क्या सिखाया था, थोड़ी देर के लिए उसको क्या पढ़ोगे, x, तो x की पावर 1 बाय 2, तो x की पावर 1 बाय 2 मतलब x की पावर n, तो n x, व्हाट इज योर x, दिस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इनटू n माइनस 1, वॉट इज n, 1 बाय 2, 1 बाय 2 में से 1 गया, छोटे में से बड़ा जा रहा है, 1 बाय 2 में से 1 गया तो माइनस 1 बाय 2 इंटू, अब किसका डेरिवेटिव होगा, इसका, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x माइनस a स्क्वायर. वॉट इज a, बेटा वॉट इज a, a इज अ कॉन्स्टेंट नंबर, और a हमेशा जब कॉन्स्टेंट नंबर है, और कॉन्स्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है. बात क्लियर? कॉन्स्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है. अब आगे देखो, dy by dx is equal to 1 upon x plus root x square minus a square, ये 1 का 1 ही रहा, plus 1 by 2, बेटा ये पावर क्या है, negative है, तो नीचे आएगी, नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी, पावर positive हो जाएगी, x square minus a square की पावर क्या हो गई, 1 by 2 into 2x, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2x बच रहा है. बात क्लियर पक्का? ओके,
अब आगे देखो मैंने क्या किया, 1 by x plus root x square minus a square को ऐसे ही रहने दिया, ठीक है, into है ना, हाँ, into, बेटा ये 2 से ये 2 कट गया, तो 1 plus 1 into x, x upon में, बेटा ये पावर क्या है 1 by 2, तो हम उसको 1 by 2 को कैसे लिखते हैं, under root of x square minus a square के रूप में लिखते हैं, यही लिखते हैं ना, बात समझ आई है, पक्का, ओके, अब आगे देखो, dy by dx is equal to 1 upon x plus root x square minus a square into, बेटा मैं यहाँ पे LCM ले रही हूँ, root x square minus a square और 1 का LCM क्या होता है, root x square minus a square, root x square minus a square को 1 से divide किया वही answer आएगा, root x square minus a square, उसको 1 से multiply किया वही answer है, root x square minus a square, root x square minus a square को 1 से divide किया 1 आएगा, 1 को x से multiply किया तो x आया, क्लियर। अब ध्यान से देखना बेटा, ये टर्म और ये टर्म सेम लग रही है, आगे पीछे है, x को आगे कर दो बात तो वही बराबर है, दैट मींस दिस टर्म विल गेट डिडक्टेड विद दिस टर्म, तो हमारे पास लास्ट में आंसर क्या बचा, dy / dx is equal to 1 और अपॉन में क्या बच रहा है, root x square minus a square, बात समझ आई है, दिस इज द फाइनल आंसर, dy / dx is equal to 1 by root x square minus a square, क्लियर हुआ पॉइंट, ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको सिखाए ये लॉग से रिलेटेड थे, अब जो नेक्स्ट पार्ट सिखाऊंगी आपको वो एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड होगा, सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इक्वेशंस, ठीक है, तो अभी तक हमने जो किया वो लॉगरिथम फंक्शंस रिलेटेड डिफरेंशिएशन किया, अब हम एक्सपोनेंशियल रिलेटेड करेंगे, तो मेरे पास अगर एक्सपोनेंशियल रिलेटेड क्वेश्चंस देखूं तो मुझे डेरिवेटिव निकालना है e की पावर ax प्लस b का, राइट, इसका मतलब मुझे y किसको मानना है, e की पावर ax प्लस b को y मानना है, तो इसका मतलब मुझे y का डेरिवेटिव करना है, अगर y का डेरिवेटिव करना है वो किसके रिस्पेक्ट में होगा बेटा, कौन वेरिएबल है, x, ये जो a b c d ये सब होते हैं ये आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ठीक है, इसका मतलब मुझे डेरिवेटिव करना है किसका, e की पावर ax प्लस b का, यहां तक क्लियर, ओके, अब आप इसको थोड़ी देर के लिए क्या पढ़ेंगे, u, दैट मींस हमारे पास ये क्या आ गया, e की पावर u, चाहे आप e की पावर x बोलें चाहे आप e की पावर u बोलें, क्या डेरिवेटिव होता है e की पावर x का या e की पावर u का, e की पावर x ही रहता है, दैट मींस अगर e की पावर x का डेरिवेटिव पूछो तो e की पावर x, e की पावर u का डेरिवेटिव पूछो तो e की पावर u, तो इसका मतलब ये सेम रहेगा, तो ax plus b into बेटा आप किसका डेरिवेटिव करेंगे, आप जिसको आपने u माना था थोड़ी देर के लिए, अब आप उसका डेरिवेटिव करेंगे ax plus b का, यहां तक क्लियर, इसका मतलब है मेरे पास आंसर क्या आया, e ax plus b into बेटा दिस ax, दिस इज अ कांस्टेंट नंबर और x एक वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर क्या है 1, तो मैंने क्या बताया था सिर्फ कांस्टेंट नंबर उतरेगा into a प्लस बी, बी इज अ कॉन्स्टेंट नंबर और बी का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब मेरा फाइनल आंसर क्या आया, a इंटू e और e की पावर ए एक्स प्लस बी, यहां तक क्लियर हुआ, पक्का समझ आया, ओके, नाउ वी विल बी सॉल्विंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, e की पावर x 1 प्लस log x, ये आपकी बुक में ही सारे क्वेश्चन है, वहीं से ले रही हूं मैं, ठीक है, तो e की पावर x प्लस 1 प्लस log x, ठीक है, अब आप इसको ध्यान से पढ़ें, आप इसको थोड़ी देर के लिए क्या पढ़ेंगे, पूरा u पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे u, इसका मतलब मुझे पहले तो आप इसको y मान लो, इसको पहले आप y मान लो, तो y इज इक्वल टू e की पावर x 1 प्लस log x, इसका मतलब है मुझे y का डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब मुझे किसका डेरिवेटिव करना है, e की पावर x 1 प्लस log x का, राइट, यहां तक क्लियर, ओके, अब आगे देखो, जब मैंने अगर इसको u माना थोड़ी देर के लिए इसको सिर्फ, ठीक है, दैट मींस मुझे किसका डेरिवेटिव करना है, मुझे e की पावर u का डेरिवेटिव करना है, तो dy / dx इज इक्वल टू e की पावर u का डेरिवेटिव, e की पावर u ही रहता है, और व्हाट इज योर u, x 1 plus log x, अब आपको u का डेरिवेटिव करना है, इसका मतलब आपको किसका डेरिवेटिव करना है, x 1 plus log x, ये ठीक है, बात क्लियर, अगर आप देखेंगे तो इसमें बेटा ये क्या है u और ये क्या है v, क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया था, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, u मल्टीप्लाई, दैट मींस एक ब्रैकेट में x लिखा और एक ब्रैकेट में 1 plus x log x लिखा हुआ है, तो u into v लगेगा इसमें, यहां तक क्लियर, अब आगे देखो,
dy by dx ऐसे का ऐसे ही रहेगा, e की पावर x 1 प्लस log x ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इंटू u इंटू v है ना, बड़ा ब्रैकेट लगाइए, u का u ही रहेगा, इंटू किसका डेरिवेटिव करेंगे, v का, और व्हाट इज योर v, v इज 1 प्लस log x, यहां तक क्लियर, प्लस अब v ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और आप किसका डेरिवेटिव करेंगे, u का, और u क्या है आपके पास, x है, क्लियर दिख रहा है, और बड़ी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखो बेटा, dy by dx, dy by dx, e की पावर x, 1 प्लस log x, ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इंटू x का x ही रहेगा, ब्रैकेट, बेटा 1 का डेरिवेटिव इज 0, प्लस log x का डेरिवेटिव इज 1 by x, प्लस 1 प्लस log x, ऐसे का ऐसे ही ब्रैकेट में रहेगा, और x का डेरिवेटिव इज 1, और बड़ी ब्रैकेट क्लोज, क्लियर, ओके। अब आगे देखो बेटा, dy by dx, dy by dx ही रहा, e की पावर x, 1 प्लस log x, ऐसे का ऐसे ही रहा, इंटू, बेटा अगर आप देखो, ये x है, 0 में 1 प्लस x रहा, तो वही 1 प्लस x ही रहेगा, प्लस 1 प्लस log x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो वही 1 प्लस log x रहेगा, बात क्लियर, ठीक है। अब देखो आगे, तो dy by dx ऐसे का ऐसे, ये सेम टर्म ऐसे का ऐसे, x से x कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 इंटू 1, 1, प्लस 1 प्लस log x, दैट मींस मेरे पास जो फाइनल आंसर बचा है वो क्या बचा, dy by dx इज इक्वल टू e की पावर x, 1 प्लस log x इंटू 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस log x, तो इसको आप ब्रैकेट में ही रखेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई जो है ये सबसे है, ये जो पूरी टर्म है ये 2 से भी मल्टीप्लाइड है, ये पूरी टर्म log x से भी मल्टीप्लाइड है, तो जब सबसे है तो आपको इसे ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, दिस इज माय फाइनल आंसर, dy by dx इज इक्वल टू 2 प्लस log x ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय e की पावर x, 1 प्लस log x, यहां तक क्लियर हुआ, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल के इक्वेशन के डेरिवेटिव थे, e की पावर x से रिलेटेड, क्लियर, ओके। अब जो मैं आपको कराऊंगी वो मैं आपको करा रही हूँ a की पावर x से रिलेटेड, तो अब आप a की पावर x से रिलेटेड वाला क्वेश्चन देखो, लिखो a की पावर 7x प्लस 4, ये आपके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पेपर में आया हुआ है, a की पावर 7x प्लस 4, बेटा ये a की पावर x ही तो लग रहा है, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए x पढ़ लें, तो a की पावर x और a की पावर x का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, a की पावर x का डेरिवेटिव ax ऐसे का ऐसे ही रहता है, log a, राइट, इसका मतलब अगर y मेरा a की पावर 7x प्लस 4 है, तो मुझे y का डेरिवेटिव करना है, dy by dx निकालना है, इसका मतलब मुझे डेरिवेटिव किसका करना है, a की पावर 7x प्लस 4 का, यहां तक क्लियर। अब आप इसको थोड़ी देर के लिए क्या पढ़ेंगे, इसको u पढ़ो या x पढ़ो वो आपकी चॉइस है, ठीक, इसका मतलब dy by dx इज इक्वल टू, अगर मैं इसको a की पावर x पढ़ रही हूं, तो a की पावर x का ऐसे का a की पावर x ही रहता है, प्लस सॉरी इंटू, ये इंटू है ना बेटा, यहाँ कुछ नहीं है, log a, what is log a, a, this is your log a, ये क्लियर, इंटू बेटा आपने अभी इसको डेरिवेटिव किया ही नहीं, इसका मतलब आपको इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, दैट इज किसका डेरिवेटिव, 7x प्लस 4, यहां तक क्लियर, ओके। अब आगे देखो, dy by dx इज इक्वल टू a की पावर 7x प्लस 4 इंटू log a इंटू, बेटा 7x का डेरिवेटिव इज 7 और प्लस 4 इज अ कांस्टेंट नंबर, उसका डेरिवेटिव कुछ नहीं होगा, तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या बचा, 7 a की पावर 7x प्लस 4 log a, यहां तक क्लियर हुआ आपको, दिस इज माय फाइनल आंसर, क्लियर हुआ पॉइंट, पक्का बात समझ आई है, तो ये जो क्वेश्चन थे ये इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, अब आपके पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू दिस टाइप ओनली, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल टाइप, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग एक बार ट्राई करो, एक क्वेश्चन है जो आपके एमडीयू 2013 में आया हुआ है, तो मैं चाहती हूँ आप, वैसे तो आप करो, बट हेंस प्रूव दैट वाला है, तो मुझे लग रहा है कि शायद आप ना कर पाओ, तो मैं वही सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, तो देखो क्या लिखा है इसमें, वाई इज इक्वल टू लॉग रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स, राइट, और आपको बोला है, आपको प्रूफ दैट करना है, dy by dx इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन 2x x प्लस 1, ये आपके MDU 2013 में क्वेश्चन आया हुआ, दैट मींस इंपॉर्टेंट है, तो देखो बेटा ये y है, इसका मतलब मुझे y का डेरिवेटिव निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, इसका
बेटा मुझे डेरिवेटिव किसका करना है, लॉग रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स का। जो अपने आप ट्राई करना चाहते हैं वो जरूर ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब जो मैंने आपको क्या बताया था, लॉग के साथ एक्स होता है, तो दिस इज माय होल एक्स, इसको एक्स पढ़ो या यू पढ़ो बात बराबर है। तो डीवाई बाय डीएक्स इज इक्वल टू लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाय एक्स। हमने एक्स किसको पढ़ा है बेटा, इसको, तो रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स को, यही पढ़ा है, इन टू बेटा अभी हमने इसको x पढ़ा है तो इसका भी तो डेरिवेटिव होगा, दैट मीन्स रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा। यहां तक क्लियर, डन, पक्का? अब आगे देखो, dy बाय dx ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसका नीचे का एलसीएम ले रही हूं मैं, वन अपॉन बेटा ये रूट एक्स के नीचे वन है, रूट एक्स और वन का एलसीएम क्या होता है, रूट एक्स। रूट एक्स को वन से डिवाइड किया रूट एक्स, रूट एक्स को रूट एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स, रूट एक्स को रूट एक्स से डिवाइड किया वन, वन को वन से मल्टीप्लाई किया वन, बात क्लियर, इन टू। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, किसका डेरिवेटिव, रूट एक्स का, इसको हम एक्स की पावर वन बाय टू लिख सकते हैं और इसको हम वन की पावर एक्स की पावर वन बाय टू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बट प्लीज ऐसे मत करना, मैं सिर्फ शॉर्टकट्स मार रही हूं आपको समझाने के लिए, बट आपको स्टेप बाय स्टेप ही एक्सप्लेन करना है। इसको मैंने x की पावर 1 बाय 2 लिखा, तो x की पावर 1 बाय 2 को कैसे पढ़ेंगे, x की पावर n, तो n x n माइनस 1, ठीक है बेटा। मैंने इसको अगर 1 बाय x की पावर 1 बाय 2 लिखा, इसका तो मुझे डेरिवेटिव करना नहीं आता, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, पावर को ऊपर ले जाओ। जब आप इस पूरी टर्म को ऊपर लोगे तो यहाँ पावर क्या है, पॉजिटिव, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x की पावर माइनस 1 बाय 2, राइट, समझ आया। अब मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, ये क्या है, x की पावर n, तो n x n माइनस 1, यहां तक क्लियर, ओके। अब dy बाय dx बेटा, ये जो थर्ड टर्म होती है, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म एंड दिस इज द थर्ड टर्म, अगर आप डिवाइड के हिसाब से मल्टीप्लाई का रेसिप्रोकल लोगे तो भी आप देखेंगे कि जो टर्म होती है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो रूट एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो रूट एक्स, और नीचे क्या रहा, एक्स प्लस 1 इंटू है, ब्रैकेट लगा दी, 1 बाय 2 का 1 बाय 2 रहा, एक्स की पावर 1 बाय 2 माइनस 1, आधे में से पूरा एक जा रहा है, छोटी टर्म में से जब बड़ी टर्म जाती है तो क्या बचता है, माइनस वैल्यू बचती है। इसका मतलब x की पावर क्या बच रही है, माइनस 1 बाय 2, माइनस 1 बाय 2, माइनस 1 बाय 2, यहाँ पे बेटा माइनस आधा और माइनस एक, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, तो दैट मींस x की पावर क्या हो जाएगी, माइनस आधा और एक, माइनस डेढ़, और माइनस डेढ़ को आप कैसे लिखते हैं, माइनस 3 बाय 2, यहां तक क्लियर, पक्का, ओके। अब आगे देखो बेटा, dy बाय dx इज इक्वल टू रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, वन बाय टू, बेटा ये x की पावर माइनस वन बाय टू है, x की पावर अगर माइनस वन बाय टू है इसका मतलब क्या है, ये x की पावर नीचे जाएगी तो प्लस हो जाएगी पावर, और वन बाय टू को हम कैसे लिखते हैं, रूट की तरह लिखते हैं, माइनस वन बाय टू, यहां पर भी x की पावर नेगेटिव है, नीचे जाएगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यहां तक क्लियर, डन, ओके। अब आगे देखो, ध्यान से देखना बेटा, ये रूट एक्स है, पहले मैं बनाने की कोशिश कर रही हूं, ये रूट एक्स है और ये क्या है, व्हाट इज दिस, एक्स की पावर 3 बाय 2, एक्स की पावर 3 बाय 2 कैसे बनता है, एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1 बाय 2, बेसिस आर सेम, पावर गेट एडेड, एक में आधा ऐड किया तो डेढ़, और डेढ़ को हम कैसे लिखते हैं, 3 बाय 2, तो इसका मतलब एक्स की पावर 3 बाय 2 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स इंटू रूट एक्स, बिल्कुल लिख सकती हूँ ना। तो अब देखो मैं क्या लिख रही हूँ, dy बाय dx को ऐसे का ऐसे लिख रही हूँ, रूट एक्स को ऐसे का ऐसे, एक्स प्लस 1 को ऐसे का ऐसे, इंटू 1 बाय 2 रूट एक्स माइनस 1 बाय 2 एक्स रूट एक्स, क्लियर, बात क्लियर हुई, पक्का। अब देखो बेटा, अगर आप देखें तो आप ये देख सकते हैं कि 1 बाय 2 इधर भी है और 1 बाय 2 इधर भी है, रूट एक्स इधर भी है, रूट एक्स इधर भी है, तो क्या मैं 1 बाय 2 रूट एक्स को कॉमन ले लूं, अगर मैंने 1 बाय 2 रूट एक्स कॉमन लिया तो ये तो पूरी टर्म बाहर चली गई, तो बचा क्या 1, माइनस 1 बाय 2 बाहर चला गया, रूट एक्स बाहर चला गया, तो बचा क्या 1 बाय एक्स बचा, यहां तक क्लियर। अगर आप ये देखेंगे रूट एक्स से रूट एक्स कट रहा है, क्लियर हुआ पॉइंट। अब आगे देखो बेटा, dy बाय dx को ऐसे का ऐसे ही रहने देना, बचा क्या मेरे पास, 1 अपॉन x प्लस 1 और ये 2 बचा ये वाला 2, ठीक है। इसका एलसीएम लो बेटा, 1 और x का एलसीएम क्या होता है, x, x को 1 से डिवाइड किया x, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x,
क्लियर। एक्स को एक्स से डिवाइड किया वन, वन को वन से मल्टीप्लाई किया माइनस वन, यहां तक क्लियर। इसका मतलब है मेरे पास बच क्या रहा है, वन को एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई किया एक्स माइनस वन, टू इंटू एक्स और एक्स प्लस वन, दिस इज माई dy by dx। और हमें प्रूफ भी यही करना था, तो देखो बेटा हमें प्रूफ यही करना था कि dy by dx is equal to x minus 1 upon 2x x plus 1, this is my hence proof, dy by dx क्या आ गया, जो मुझे प्रूफ करना था वही आ गया, समझ आया। इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो MDU में आए हुए हैं, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगी लॉग और एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड। सो थैंक यू।